Hey students, welcome to our channel In Focus History. So in this video we will discuss the answers of class 8 social science question paper. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम आंसर देखते हैं किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप मैच कर लेना फिर. सो पहला क्वेश्चन था कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है. सेकंड क्वेश्चन है, समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक रसायन फैक्ट्री में कार्यरत है, तो समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. तो देखो, 14 साल से कम के बच्चों को काम नहीं करवाया जाता, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है. फिर साझा संपत्ति, साझा संपत्ति क्या होती है जिसका यूज़ हम मिल बांट के करते हैं, लाइक वो कोई भी यूज़ कर सकता है, तो सार्वजनिक पार्क पब्लिक पार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को निर्वाचन होता है, तो 243 इज राइट आंसर. पहले 245 था, अब दो हट चुके हैं, सो 243 होगा. इसका सही मिलान करना था तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. फिर इसकी विशेषता बतानी थी, तो ये क्वेश्चन, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है. और फिर उसके बाद भारत और बांग्लादेश के अग्रिम उत्पादक है, तो ये पटसन हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसा हो जहाँ बच्चे खुश रह सके, मुक्त और रचनाशील बने. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड. हाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड राइट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, भयमुक्त विद्यालय, रचनाशील विद्यालय काल्पनिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं. ठीक है, फिर बंगाल का विभाजन कब हुआ, इजी क्वेश्चन था, 1905 में हुआ था. निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, तो हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स सही आंसर हो जाएगा. फिर न्यायपालिका के बारे में कौन सा सही है, तो कोई भी सीधे न्यायपालिका नहीं जा सकता, गलत है, कोई भी जा सकता है. न्यायपालिका तक जाने के लिए पहले सरकार की, ये भी गलत है. न्यायपालिका जनहित याचिका नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. सो नाइन्थ का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. टेंथ इस, फिर इसका जन्मदर से आप क्या समझते हैं, 13 क्वेश्चन है, तो प्रति हज़ार व्यक्तियों पर जीवित. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. फिर 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट, 13 का ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने वो सीटें होती हैं, तो 34 होती हैं. ठीक है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के मतलब इनके आंसर देने थे, इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सही भी, और इसकी सही व्याख्या करता है. फिर जल संरक्षण के दो उपाय बताइए, तो हमें कम पानी, मतलब ये तो आप इजीली लिख सकते हो, तो लिख सकते थे. वन संरक्षण है तो दो उपाय, तो इसमें वैदिक कृषि करके, ठीक है, वनोन्मूलन को कम करने, अतिचारण को कम करके. फिर प्लासी के युद्ध को आपको वर्णन करना था. हाशियकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक है, हाशियकरण मतलब किसी कम्युनिटी को हम साइड कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मौलिक अधिकार को बताना था. फिर भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार बताने थे, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मैकाले के, तो ये वाला ईजी था, शिक्षा गांधी जी का आप लिख सकते थे. फिर घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधान बताने थे, तो ये सब तो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन है, ये आप सब अपने हिसाब से करते हैं. मैं जो, हाँ ये वाले मैं बता देता हूँ, पूर्वाग्रह क्या है, तो पूर्वाग्रह क्या होता है, पुरानी सोच. जैसे मान लो, जैसे हम सोचते हैं कि घर का काम बस लड़कियाँ करेंगी और लड़के घर का काम नहीं करते, तो ये पूर्वाग्रह है. पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण है हमारी जो परवरिश होती है, जो हमारा वातावरण होता है, वो पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है. ठीक है, पर्यावरण क्या है, ये सब तो ईजी क्वेश्चन थे. फिर उसके बाद, हाँ बाकी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो होप्स आपका पेपर अच्छा गया हो. ठीक है, इसकी ऑफिशियल की भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो मेरे चैनल पे आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ऑफिशियल आंसर किया है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लें. होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.